नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त है या आपका ऑनलाइन माली नितिन मल्होत्रा। वेलकम टू ग्रीन डेली टेरेस गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 3 जादुई प्लांट्स के बारे में जिनको आप एक लाएंगे और जितने मर्जी बनाइए यार, खुल के दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो होते हैं, लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। पहला प्लांट है ये पर्पल हार्ट, सेकेंड टर्टल वाइन और तीसरा जेड प्लांट। ये तीनों देखिए, ये मैं एक ही लेके आया था और एक से मैंने कितने बना लिए। जितने मर्जी बनाइए आप, छोटे पॉट्स में, बड़े पॉट्स में, हैंगिंग में लगाइए, नीचे लगाइए, कहीं भी लगाइए, बहुत ही शानदार लगते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस पर्पल हार्ट की। ये प्लांट लगा हुआ है, ये ग्रो करेगा बहुत जल्दी, तो इसको सिंपली इसको यहाँ से आप काटना है, ये देखिए, और कुछ नहीं करना, सिंपल इस तरीके से लगा दिया, दैट्स इट, हो गया। इस प्लांट में भी मैंने इसी तरीके से कटिंग लगाई थी और देखिए 10 दिन में कितना ये प्लांट बड़ा हो गया। इसमें भी लगाई थी, इसमें भी लगाई थी। इसका ये प्लांट ग्रो बहुत जल्दी करता है और बहुत दिखने में अच्छा लगता है। इसमें बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं, देखिए यहाँ भी फ्लावर आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दूसरा कटिंग से लगाएंगे हम आज ये टर्टल वाइन, इसको बोलते हैं टर्टल वाइन। दोस्तों, ये प्लांट का क्या है कि जहाँ भी ये टनी यानी गिरेगी वहाँ इसमें अपने आप नया पौधा बन जाएगा। और ये भी गर्मियों के प्लांट है, गर्मियों में ये प्लांट बहुत ग्रो करते हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं और थोड़े टाइम बाद ये सारे फैल के नीचे लटक जाएंगे और बहुत ही शानदार लगेंगे। सिंपली क्या करना है, ये काटा और इसको इसी प्लांट में या कहीं पर भी आप नॉर्मल बस इसी तरीके से मिट्टी में लगा दीजिए। बस बहुत ही जल्दी ये बेल के रूप में बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये सब एक एक टहनी से लगे हुए हैं और कैसे ये फैल गए, ये बहुत लंबी बेल बनती है। तीसरा जेड प्लांट, ये भी बहुत इजीली ये कट किया, कट करने के बाद इसको भी आप सिंपली, ये इतनी सी टहनी की आप 2 कट भी कर सकते हैं, ये किया और आप इसमें, ये मैं आपको भी एक ही पॉट में लगा के दिखा रहा हूँ, आप तो इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही में लगा सकते हैं, एक में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कटिंग से आप कैसे इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट है गर्मियों में इसका। पानी जो है इनको वही सुबह शाम देना है, स्प्रे जरूर करिए इन प्लांट्स के ऊपर और 15 से 20 दिन में एक बार खाद देनी है और 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ऐसे करेंगे आप तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। ये मैंने एक ही लेके आया था प्लांट छोटा सा और एक से ये बहुत सारे बन गए। तो ये था वीडियो छोटा सा दोस्तों आपके लिए कि गर्मियों में कैसे हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने प्लांट्स को छोटे छोटे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बनता है, नहीं अच्छा लगा हो तो सॉरी, कोशिश करेंगे आपके लिए अगला वीडियो और अच्छा बनाए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।